एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कौरंगा ब्लॉग्स। तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, दिल्ली टू उत्तराखंड वाला। तो मैं अपने गाँव आ चुकी हूँ, यानी कि अपने होम टाउन आ चुकी हूँ उत्तराखंड। तो गाइज़ हमारा घर बन रहा था तो वो कम्प्लीट हो चुका है, तो आज हम ना घर प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी भी मतलब थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बट हम लोग अभी घर पे हैं तो हम लोगों ने सोचा गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो अभी कोई ऐसी बड़ी पार्टी तो रखी नहीं है हम लोगों ने, अभी हम ही लोग हैं घर के ही। तो हमारे रिलेशन में ना अभी शादी भी है जो घर के बगल में ही है यहाँ पे, उसके बाद आज ही वहाँ पे हल्दी वगैरह होने वाली है। तो फटाफट से हम भी यहाँ पे पूजा कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब हमारी बारी। यहाँ पे देख सकते हो नियान रो रहा है। जय करो फिर नियान, आप भी बैठ जाओ, जय जय करो। नियान बैठ के जय करते हैं बेटा, वहां भी बैठो, दादी के पास बैठ जाओ। जय 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 करो। सर श्री नागवाणे रे जोन मान ज्ञान दुखाई रे जोन की गंगा ध्यान गंगा गंगी सियोने से अनुमति गुरावरी निकलवती सजु गंगायम गंगा तु क्या क्या भी मान पातो जय 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 नमो सुखे पत्र हारे सूर्य भगवान आदरो पुष्प भगवान आदरो सूर्य भगवान नमो ध्यान करा कर सही मत साब समानो निधि समर्थन जैनी सकता चंदी को याद गुना श्री भास्कर देवाय मिश्राजा रवि गंधन सुमर ग्रामीण नमः गंधा चल लगा और रवि गंधन। तो गाइस हम लोगों का पाठ वगैरह भी हो चुका है और पंडित जी भी आके चले गए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हल्दी भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है हल्दी खत्म ही होने वाली होगी। हम भी रेडी हो चुके हैं हल्दी के लिए, तो हम भी फटाफट से निकल लेते हैं अपने घर से। हल्दी तो हो ही चुकी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, बट कोई नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। जब मैं गांव आ रही थी तो मैंने टेस्ट वगैरह कराया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे मेरे को जॉइंटिस्ट और टाइफाइड की शिकायत आई थी, मतलब यानी कि टाइफाइड और जॉइंटिस्ट हो रखा था। तो आज हल्दी है और यहाँ पे मुझे 3-4 दिन तो हो ही चुके हैं गांव आए हुए। तो यहाँ पे ना गांव में ही कोई झाड़ता है तो 1.5 या 2 घंटे की दूरी पे रहते हैं। तो नीचे हल्दी हो रही थी तो उतने में ही उनका कॉल आया कि वो मेरे मामा जी के घर तक आए हुए हैं झाड़ने के लिए, क्योंकि हमारा घर जो है बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है उनको। तो आधे रास्ते तक हम जा रहे हैं, ऊपर वो दिख रहा होगा आपको छोटा सा घर, तो मेरे ननिहाल तक जा रहे हैं मैं और मेरे ससुर जी और नियान ममता, वो लोग सब नीचे ही हैं हल्दी फंक्शन में। इसीलिए मैंने आज हल्दी वाला लुक भी नहीं किया, मैंने इसीलिए पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि जब पीला वगैरह होता है तो ना हल्दी डालते हैं खाने में, ना ऑयल वाला खाना खाते हैं, एकदम सिंपल खाना खाते हैं और
कपड़े भी हल्दी वाले नहीं पहनते हैं। तो मैं और मेरे ससुर जी जा रहे हैं अभी मेरे ननिहाल की तरफ, और मैंने ना अभी बाल भी बांध लिए, वो इसलिए क्योंकि जंगल वाला रास्ता है ना, तो यहाँ पे बाल वाल खोल के भी नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मैंने बाल बांध लिए, है ना पापा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ की चढ़ाई कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। अभी मुझे वहाँ तक जाना है, वो मेरा ननिहाल है तो यहीं तक जाना है अभी पैदल पैदल। और अभी हम इतनी दूर से आ चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे बाल वगैरह खोल के इसलिए नहीं जाते क्योंकि जंगल में ना भूत प्रेतों का साया होता है, अगर बाल बाल खोलते हैं जो भी है, मतलब इस टाइप का कहा जाता है हमारे गांव में, तो भूत वूत लग जाते हैं, इसीलिए मैंने अपने बाल भी बांध लिए। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो फटाफट जाने की सोच रही हूँ ताकि फटाफट से करके हम घर भी आ जाएं। और आज ना मैं खाली हाथ जा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ पापा के हाथ में है थाली जिससे पीलिया झाड़ते हैं, मतलब सिर्फ वो। और अभी तो शायद मुझे लगता है 3 या 4 दिन जाना पड़ता है उनके पास पीलिया झड़वाने के लिए, 3-3 दिन के गैप में। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ लेके चले जाएंगे मामा और के यहाँ पे, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ हल्दी में से उठ के ही गई हूँ सीधा। तो फटाफट से यहाँ से चलते हैं, उसके बाद फटाफट वापस भी आना है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँचने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको, सांस फूल गई। बस आने वाला मामा जी का घर। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ और काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी थकान हो रही है। तो सामने ही है मामा जी का घर, फटाफट से चलते हैं, देखते हैं पीले झाड़ने वाले भैया आ चुके हैं या नहीं। और वो ना हमारे गांव से दूसरा गांव है उनका, वो वहाँ के ना ग्राम प्रधान भी हैं, तो इतना बड़ा आदमी मतलब आ रहे हैं पीले झाड़ने के लिए, तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है, क्योंकि वो गाँव में जो लोग होते हैं ना वो समझते हैं हर किसी चीज़ को, जो शहरों में होते हैं वो कहाँ पूछते हैं। तो मेरे ससुर जी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड के बेटे हैं शायद वो, तो इसलिए भी वो आ रहे हैं, और वो सभी की हेल्प करते हैं वैसे भी। तो वो सब पहुँच ही चुके हैं, वहाँ पे है मामा जी का घर, पहुँचते फिर मिलते हैं। तो ये आ चुका है मेरे मामा जी का घर, अब ये सारे पेड़ सूख चुके हैं, ये अखरोट के पेड़ हैं, ये देखो आप गर्मी में बिल्कुल हरे हरे पत्ती होती है इसमें। गाइज मैं अपनी मामी के घर पे पहुंच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं लेट भी गई हूँ यहाँ पे, इनके पुराने वाले घर पे हूँ मैं, नया वाला घर पीछे है। तो मामी अभी मुझे मट्ठा और दही दे रही है, मैंने बोला मुझे मट्ठाई और दही खाना है और कुछ नहीं, तो वो लेके आ रही है अभी अंदर से, दिखाती हूँ आपको भी मैं एक बार। तो ये रही मेरी मामी यानी कि जिया की मम्मी, हाय बोलो पहले। हाय। मैंने पीलिया भी झड़वा लिया और अब मैं जा रही हूँ अपने घर यानी कि नीचे, और तनिष्क भी आ चुका है सच सवर के नीचे हल्दी में से आ रहा है, ये मेरे भाई का बेटा भी दिख, बाप रे हाय कर दे फिर चल। हाय। अरे वाह, देखो हम वापस जा रहे हैं घर को आ रहे हैं, शाम को आएगी पक्का, वहीं रहोगे हाँ ना तो। हाय मामी। हाय। नमस्ते। पीलिया वर है। हाँ यार जड़वाने के लिए लाई थी मैं, अब बाद में आएंगे हाँ पूजा के दिन। बाय मामी। आगे देख लो, आगे देख के जाओ। तो मामी वो लोग भी चले गए हैं और हम भी जा रहे हैं घर को, नीचे जाते वक्त तो आराम से पहुंच जाते ना, दर्द भी नहीं होता पैरों में। तो बस अब हम भी पहुंचने वाले अपने घर पे, और मेरे भैया भाभी भी हमें रास्ते में मिल चुके हैं, सपना दीक्षा तो ऊपर पहुंच ही गए थे घर के बाहर, तो मैं आपको इन लोगों से ही मिलवा देती हूँ, मेरे भैया और भाभी। हेलो हेलो हेलो। थक गए तुम लोग, अभी आओगे ना, गुजर गया ना, तुम और बच्चे आएंगे बस।
गाइस मैं अपने ननिहाल से आ चुकी हूँ, यानी कि मैं पीलिया झड़वा के आ चुकी हूँ और शाम के 7 बजे से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ मेहंदी में जाने के लिए। और बाहर ना काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा था, इसीलिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताना पड़ा। सो नियान भी सो रखा था, उसकी नींद भी हो गई है पूरी, तो वो उठ चुका है और बाहर म्यूज़िक बज रहा है तो वो डांस कर रहा है अच्छे से, एकदम मस्त होके। लग भी नहीं रहा कि वो सो के उठा है, तो इसको जहाँ पर भी म्यूज़िक बज जाए वहीं इसका डांस चालू हो जाता है। और मेरी नंद जो है वो अपनी बेटी को तैयार कर रही है मेहंदी में लेके जाने के लिए, और आप देख सकते हो प्रिया को कैसे शर्मा रही है, कैमरे के आगे नहीं आती है ये, इसको पता नहीं क्यों शर्म लगती है। तो मैंने यहाँ पे नियान को भी रेडी कर दिया है फटाफट से और अब हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो गाइज नियान ने काफी सारा डांस किया, आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये कैसे कर रहा है? अच्छा करो, हाय करो, हाय। तो अभी सब लोग खाना खाने गए हैं, तो म्यूजिक बंद हो चुका है यहाँ पे और नियान और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे दूल्हा के यहाँ पर मेहंदी लगी हुई, दूल्हा हमारे।